यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लान वर्सेस ज़ॉम्बी 1। तो इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी आई थिंक, अगर हम सरवाइव कर पाए इसके अंदर तो लास्ट वीडियो होगी हमारी इस सीरीज की। आज थोड़ी सी गर्मी लगी थी तो मैंने कहा बनियान पहन के बनाते हैं, टेंशन नहीं है, अपन ही लोग हैं, ठीक है जी। तो इस सीरीज की आज जो है वो लास्ट वीडियो होगी, तो देखते हैं कि इस सीरीज में हम लोग सरवाइव कर पाते हैं, यानी लेवल नंबर 9 और लेवल नंबर 10 इस वीडियो में खेल के देखेंगे। अगर लेवल नंबर 9 में हम सरवाइव करेगा तो लेवल नंबर 10 भी इसी वीडियो में कर लेंगे, तो फिर लेवल नंबर 10 और 9 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो एक वीडियो और इजाफे हो जाएगी, ठीक है जी। तो रूफ का लेवल नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि हम को बहुत सारा काम है, ठीक है जी। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू प्लान वर्सेस ज़ॉम्बी 1। लेवल नंबर 9 प्ले कर दिया है, किल ज़ॉम्बीज रूफ, दोबारा नाम जो है वो अपडेट हो गया। चूज़ योर प्लांट, हम लेंगे इसके अंदर सनफ्लावर, बिग वॉलनट, चिल्ली पैड, कद्दू वाला प्लांट और अम्ब्रेला लीफ और कैबेज और कैटापल्ट, नहीं कार्नल पल्ट, कैटापल्ट बोल रहा हूँ, कार्नल पल्ट, ठीक है जी। तो ये सारे प्लांट जो रॉ में आपको नज़र आ रहे हैं सेलेक्ट कर लिए हैं हमने, और लेवल नंबर 9 प्ले कर दिया है, एक सनफ्लावर लगा दिया है। तो जल्दी जल्दी खेलते हैं, ठीक है जी, देखते हैं कि इसके अंदर हम सरवाइव करते हैं या नहीं करते। ओ भाई साहब, अब जो है ना वो कराची में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आनी शुरू हो गई, और लाइट भी जो है ना वो इन लोगों ने टाइम बढ़ा दिया है, कभी आधे घंटे पहले लेंगे, कभी आधे घंटे बाद लेंगे, लेकिन लेंगे 3.5 घंटे की लाइट, कभी कभी तो 4 घंटे भी। कल तो ऐसा हुआ था 12 बजे ही गई, रात के 7 बजे आई है, तो कल तो सारा दिन लाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैं कल बिज़ी भी था। अच्छी बात है, कल मैं कोचिंग गया हुआ था, आप ही घर गया हुआ था, तो सारा टाइम मैंने बिज़ी में निकला, घर पे आया तो लाइट थी नहीं, थक के हार के आया कोचिंग से पढ़ा के बच्चों को, और 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक घर पे आया, 1.5 घंटा था, मैंने कहा 1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करा, उसके बाद लाइट आई, लाइट आने के बाद फिर जो है भैया के पास चला गया, वहाँ पे सेटअप पे तो वहाँ पे उनके थोड़ा सा काम करवाया। मैंने कहा कोचिंग मुझे तुम जाना है नहीं, ना क्लास नहीं जाना, तो फिर इस वजह से मैं चला गया था। चलो जी, 4 सनफ्लावर, एक जो है कार्डनल पल्ट लगा दिया है, ठीक है जी, 5वां सनफ्लावर भी लगा दिया, फर्स्ट रो जो है वो पूरी हो गई है सनफ्लावर की। तो तुम लोग यार सही नहीं कर रहे हो, मैंने अभी तक उसमें देखा है स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में जो तुम लोग वीडियो देख के जा रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यार ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। 100 सब्सक्राइबर पटकाया हुआ तुम लोगों ने यार, कम से कम 250, 600, 700, 800, 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कराओ। अब तुम लोगों की वजह से व्यूज अच्छे आ रहे हैं वीडियोस पे, शॉर्ट पे भी, तो मैं थोड़ी तो सी मोटिवेशन मिल रही है, थोड़ा सा हौसला मिला, तो मैं रोज़ाना रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ। देखो आज सुबह भी डाली वीडियो, और इंशाल्लाह वीडियो कल भी आएगी, तो रेगुलर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के एक वीडियो आ रही है, और शॉर्ट भी उसके साथ साथ ही आ रहा है। तो तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो ना भाई, तुम लोग क्या करते रहते हो सालो कमीनो, सब्सक्राइब बस 100 अटका दिए तुम लोगों ने, सब्सक्राइब करके 100 से आगे ही बढ़ा दो भाई, अब ज़्यादा टाइम नहीं करते, गेम पे फोकस करते हैं। अच्छा तो भाई, फर्स्ट रो पूरी हो गई, सेकंड रो में हमने 4 कार्नल पर लगा दिए और 2 लगा दिए हमने केबेज, तीसरी रो में, और इसके अंदर देखो 3 वेव्स आएंगी, तो देखते हैं 3 वेव्स आएंगी, और इसके अंदर मोटा वाला प्लांट भी आएगा, वो डंडा है कि आता है जो वो मोटा वाला प्लांट भी आएगा इसके अंदर, तो देखते हैं इसके अंदर हम सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और इसके अंदर हमारे को वो लेना चाहिए था, गलती कर दी, हाँ मेलन पल्ट, जो तरबूज वाला प्लांट था ना वो पूरे ग्रुप को तोड़ देता है, पूरे ग्रुप का ना जॉम्बीज का जो 3-4 का ग्रुप आता है ना वो, उसके अगर आप लगा दो उसने मारा ना तो वो पूरे ग्रुप को तोड़ देता है, लेकिन वो साला है 300 रुपये का, 300 रुपये इतनी मुश्किल से जमा होते हैं कि बस छोड़ो यार, वो लगाना ही अजाब है। इंशाल्लाह अगर इसमें सर्वाइव करवाया तो नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, अगर नहीं तो फिर दोबारा जब इसको रीस्टार्ट करेंगे, रीट्राई करेंगे तो दोबारा उसमें लगाएंगे, ठीक है जी। अभी तो फिलहाल हमने कार्नल पल्ट, सनफ्लावर, कैबेज ये तीनों लगाए हैं अभी, और सेकंड 3 ही रो के अंदर हमारे पास गमले लगे हुए थे, चौथी रो में हमने एक एक करके खुद ही गमले लगाए हैं, 5वां गमला भी लगा दिया, तो चौथी रो भी हमने गमले से पूरी कर दी है, वॉश से लगा के पूरी कर दी है। अब इसके अंदर देखते हैं हम या तो अम्ब्रेला लीफ लगाते हैं, क्योंकि वो अम्ब्रेला लीफ भी लगाने का फ़ायदा है, क्योंकि जब ऊपर से जो जॉम्बीज आते हैं हेलीकॉप्टर से तो वो उनका फ़ायदा ये है कि वो छतरी की तरह खुल जाता है, और वो जो है ना पौधों को लेके नहीं जाता, प्लांटों को लेके नहीं जाता हमारे, तो हमारे प्लांट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर सेव हो जाते हैं अम्ब्रेला लीव से, इसका ये फ़ायदा है। तो हर प्लांट का जो अपना अलग अलग मकसद है, अलग अलग लेवल है उसका, अलग अलग जो है ना उसका वो है,
शूटिंग रेंज, कि वो किस सिक्योरिटी के तौर पे वो काम करता है, कैसे जॉम्बीज को मारता है, कैसे वो सरवाइव कराता है हमारे को, हमारे घर पे, हमारे गार्डन को सरवाइव करता है, हमारे घर को सरवाइव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब प्लांटो की, चलो भाई फर्स्ट वेव जो है वो आ चुकी है, आने वाली है। अ ह्यूज वेव ऑफ जॉम्बी इज अप्रोचिंग। ये आए ओ भाई, फर्स्ट वेव में लाजमी, और ये गाड़ी वाला भी आ गया मोटा बम्पू, फर्स्ट वेव में ही होता लाजमी, झंडे वाला जरूर आएगा, झंडा लेके जरूर आएगा फर्स्ट वेव में। दिखाएगा भाई ये हमारा झंडा है, हम ये इसको, ये झंडा है हमारा, हम इसको फॉलो करते हैं। अबे तेरी जात के वजह से अच्छा भाई ये मोटा वाला प्लान। ओ यार अबे यार, अम्ब्रेला लीव जो अभी तक हमने लगाया नहीं, लेकिन फिलहाल चलो कोई नहीं, खैर होती है। अब ऐसा करेंगे, अगर इसमें सर्वाइव नहीं कर पाए ना, तो ऐसा करेंगे सेकंड वीडियो में हम कैबेज जो गोभी वाला प्लांट है ये नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे सारे कार्डनल पल, कार्डनल पल, कार्डनल पल, कार्डनल पल ही लगाएंगे सब वीडियो में, पूरी रोज के अंदर कार्डनल पल, कार्डनल पल, कार्डनल पल, फिर मज़ा आएगा। देखते हैं कि वो कार्डनल पल जो है वो सर्वाइव कर पाते नहीं कर पाते। और दो मक्खन वाला ही फेंका बाल्टी वाले प्लांट के ऊपर, मज़ा ही आ गया। देखो अब एक अम्ब्रेला लीव लगाया मैंने, और दो दो बिग वॉलनट लगाए, बिग वॉलनट भी उसके जो मोटे वाला ज़ॉम्बी आता है डंडा लेके, उससे सरवाइव नहीं कर पाता बिग वॉलनट। अगर बिग वॉलनट उसके ऊपर चढ़ जाता तो फिर कारामद है बिग वॉलनट ना, लेकिन बिग वॉलनट का एक ये फ़ायदा है कि एक सामने दीवार खड़ी हो जाती है बिग वॉलनट से ना, एक सामने दीवार खड़ी हो जाती है, उस दीवार का ये फ़ायदा होता है ना, जो उछलने वाला जॉम्बीज है ना वो बिग वॉलनट से उछलता नहीं है, वो उछल के वहां नहीं जाता, तो ये सीन होता है ना। अब या तो लसन वाला प्लांट को देखेंगे, वो उसका क्या फायदा है, मेलन पल जो है वो जगह देखेंगे, तो समझ में नहीं आता। वो जो सब कुछ इतनी अच्छी अच्छी खुराकें हम लोग खा रहे हैं, दिन में 3 दफा 4 दफा अलहमदिल्ला खाना खा रहे हैं, सुबह नाश्ता भी प्रॉपर होता है, बिल्कुल भरपूर होता है, दोपहर में खाना ही प्रॉपर होता है वो भी भरपूर होता है, शाम की चाय भी होती है वो भी भरपूर होती है, रात तक खाना ही भरपूर होता है, फिर भी मेरे अंदर ना वो एनर्जी नहीं है यार, क्योंकि वो एनर्जी जो है ना वो दूध से आएगी, फ्रूट से आएगी, ये सीन है। दूध साला आज इन लोगों ने 210 रुपये कर दिया बगैर तो नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या सीन। एक न्यूज़ अभी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप लोग को पता चलेगी कि भाई इन लोगों ने कब्रों पर भी टैक्स लगा लिया, मरो मरोगे तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये हमारा मुर्गी पता नहीं किस तरह जा रहा, समझ में नहीं आ रहा कि आप मरोगे उसकी कब्र के भी आपको पैसे देने, चाहे कब्र छोटी हो चाहे कब्र बड़ी हो उसके पैसे देने आपको, 10% इन लोगों ने सामने टैक्स लगा दिया, समझ में नहीं आया। जितना अच्छा हमारा पाकिस्तान का मुल्क था उतना ही ऐसा लग रहा है कि वो डिफॉल्ट होने के करीब जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा साले क्या हुक्मरान साले, ये जो बुढ़े कुत्ते की हुकूमत आई ना शहबाज शरीफ की, गुलामों की बहन, गाली देने का दिल चाहता है बस, चले खुद भी गुलाम है अमेरिका के, हमारे आवाम को भी गुलाम कर रहे हैं, और ये सारे चाह ही रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, उनको पता है इलेक्शन होगा तो हमारी हुकूमत आएगी, तो ऐसे जब कोई भी देगा इनको, लोगों को परेशान कर दिया यार इन लोगों ने, 300 रुपये पेट्रोल पहुँचा दिया, 200 रुपये दूध पहुँचा दिया, अंडा 30 रुपये पहुँचा दिया, डबल रोटी 120 से पहुँचा दी, अबे भाई रोज़मर्रा के बंदे डबल रोटी कैसे खाएगा यार, जो अंडा हम 15 रुपये का 17 रुपये का रोज़ाना लेके आते थे, जो अंडा 15 रुपये का 17 रुपये का रोज़ाना मैंने खुद लेके आता था डेली, कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब मैं जिम जा रहा था पिछले साल तो डेली 2 अंडे खाता था मैं उबाल के, एक्सरसाइज करने के आने के बाद शहबाज भाई के साथ, तो जब डेली अंडा खाता था। अब जब से लोगों ने 25 रुपये का 28 रुपये करे, तो हम लोग हफ्ते में सिर्फ इतवार वाले दिन होता है, कभी ऐसा दिन होता है यार, नाक में बड़ी टाइट वाली लगी हुई है, जख्म हो रहा है, दिमाग खराब। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि वो हफ्ते में जब से लोगों ने 25 रुपये का 28 रुपये का अंडा करा है, और दूध 200 रुपये पहुँचा दिया, 180 190 रुपये पहुँचा दिया, तो अंडा हम लोग एक दिन होता है हफ्ते में इतवार वाले दिन, तो जिस दिन 6 7 अंडे आते तो हम सब उसका नाश्ता करते हैं इतवार वाले दिन, या कभी नारियल अंडा बनता तो उसमें 4 5 अंडे डालते हैं, तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन अंडा खाएं, जहाँ हम डेली अंडे खाते थे ना 17 18 रुपये का, वहाँ 28 10 रुपये बढ़ने के बाद हम ये हफ्ते में एक दिन अंडा खाते हैं, पूरे हफ्ते नहीं खाते, पूरे हफ्ते वही सारा रोटी खाते हैं, और डबोटी भी जहाँ हमारी 90 रुपये की 70 रुपये की 75 रुपये की जहाँ डेली आ रही थी, वहाँ अब 4 दिन बाद 3 दिन वही डबोटी जो है अब 4 दिन बाद 3 दिन बाद आती है। देखो हमने भी कितनी चीज़ों में कमी कर दी, दूध में कमी कर दी, डबोटी पापों में कमी कर दी, खाने
अंडों में कमी कर दी, फ्रूट्स में कमी कर दी, और हम तो चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अल्लाह पाक ने हमारे को रोज़ाना डेली इतना अच्छा नाश्ता खाना, चाय शाम की, रात का खाना इतना अच्छा खाना खिला देते, इतनी वो होने के बावजूद, हमारे पास चीज़ होने के बावजूद हम कहते हैं कि हमारा पूरा नहीं हो रहा। लेकिन सारे जो गरीब तबका है, हमारे गरीब आवाम है, मजदूर आवाम है, वो बेचारी कैसे पूरी करते हैं कि बस वो अल्लाह पाक ही जो सबको करवा रहा है, सबको खिला रहा है और सबको करवा रहा है। मैं तो बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक से भाई आप लोगों के लिए भी, जो गरीब आवाम है, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास भी, जो हम जैसे लोग भी, मतलब हम जो जिनकी कारोबारी पोजिशन ऐसी है, मतलब है ऐसी नहीं है कि चलो भाई नहीं आ रहे, आ तो रहा है, लेकिन अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को, सबकी परेशानियों को, सबकी मुसीबतों को हल कर दे, आसान कर दे, दूर कर दे। बस बहुत मुश्किल हो गया अब तो, ऐसा लगता है कि चलो वो सब बात है। वो आप देखो, आप GDC अलखतपत वालों ने जो अभी अपना वो निकाला है, कोर्स निकाला है, इंटर्नशिप निकाली, जो बच्चों को उठा, कल मेरी पहली क्लास थी जुमेरात को, और मैं देखने गया वो एक अंकल है, बूढ़ी बूढ़े से अंकल है, वो सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद वाले, मतलब कितनी अपने पाकिस्तान में लोगों ने गुर्बत कर दी है कि चलो वो अंकल काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, फिर भी वो चाह रहे हैं कि मैं ये कोर्स करूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। अभी और बराबर मेरे बराबर में दो लड़के और बैठे थे, दोस्तों और बैठे थे, वो भी पेंशन पहने हुए जॉब से डायरेक्ट आए थे, वो कोर्स की क्लास है। लेकिन मैंने कहा सर कितने लोग परेशान हैं, हम तो चलो अभी सिर्फ, मेरी तो चलो कुछ भी जॉब नहीं है, मैं तो सिर्फ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, सिर्फ मदरसे पढ़ाने जाता हूँ, मेरी तो कुछ भी जॉब नहीं है, फिर भी देखो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ, सारी मेरी चीज़ें हैं, अपना खाना पीना अच्छा, पहनना ओढ़ना जूते कपड़े सारी चीज़ें हैं, इतनी कोई अच्छी तो नहीं है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं देखता हूँ यार, जो सारे जॉब कर रहे हैं, 30-30, 25-25, 35-35 हज़ार रुपये भी अगर कोई बंदा कमा रहा है जॉब के, और बूढ़ा भी है, तो वो उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं कोर्स करूँ, ऑनलाइन इंटरनेट से पैसे कमाऊँ। मैंने कल तो देखा यार, 3-4 बूढ़े लड़के और 2 बड़े उम्र के, बिला भाई उम्र के लड़के लड़ रहे होंगे, 30-30, 32-32 साल के 2 लड़के ऑफिस से डायरेक्ट आए, वो अपनी पैंट शर्ट पहने, तो उनका लग रहा था ऑफिस ड्रेस का ड्रेस पहने हुए लग रहे थे कि वो ऑफिस से आ रहे हैं। तो मैं सोचता था यार, मैं कहीं कितनी वो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कितनी वो परेशानी हो रही है लोग यार, कि लोग चाह रहे हैं कि हम जॉब से आने के बावजूद भी ये काम करें, ये पढ़ाई करें और इंटरनेट से पैसे कमाएं। जो अब मामला क्रिएट होता जा रहा है, लोग देखते जा रहे हैं, तब जो फाइनल वेव आ चुकी है, और तेरी की ये पहले गेम ख़त्म हो जाए, फिर हम अपनी स्टोरी जो है ना वो शेयर करेंगे आपसे, वरना गेम पे ध्यान दिया ही नहीं मैंने, बातें करते करते फाइनल वेव आ गए, तीसरा वेव भी आ गया, तीसरा झंडा भी पूरा कर दिया, और ये मोटा वाला झंडा वाला प्लांट आया, और वे पैस की धूम, 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 अबे भपड़ गया ये मोटा, दो दो ज़ॉम्बी आ रहे हो, ये मोटा वाला प्लांट आ रहा है यार, अबे मुश्किल ही सर्वाइव लग रहा है मुझे, मुश्किल भी कर पाऊंगा इसे, ओ भाई ये डंडा मारा है इसने, पिचका दिया हमारे को, अबे साला कैसे पूरा होगा यार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, कैसे सर्वाइव करूंगा मैं इसके अंदर, लेवल नंबर 9 के अंदर, ये दूसरे को मारा, नहीं भाई मुश्किल है। एक तो पैसे इतने स्लो मिलने हैं हमारे को, पहले इतने जल्दी पैसे मिल रहे थे दिमाग खराब, अब इतनी घटिया तरीके से पैसे मिलने, प्लान इतने सुस्त तरीके से पैसे दे रहे हैं कि वो चिल्ली पैड ने भी काम नहीं करा। अबे तो मोटा बड़ा तो बड़ा कमीना मोटा यार, चिल्ली पैड को भी बना, ओबेले भाई आखिरी प्लान को बना दिया, अबे यार नहीं, ऊपर मत जाइए, ऊपर नहीं जाइयो, नहीं, ये गुफा से अंदर चला गया यार, ये गया अंदर, अबे यार द ज़ॉम्बीज एट योर ब्रेन, गेम ओवर, ट्राई अगेन, हम लोग जो है वो इस गेम में सरवाइव नहीं कर पाए, बस बदकिस्मती से ट्राई अगेन करना पड़ेगा। बस इस वीडियो के तक आए हो, आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गैदर किसी नेक्स्ट गेमिंग वीडियो में, लेवल नंबर 9 और लेवल नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें तो हम सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि ना चिल्ली पैट ने साथ दिया, ना वॉलनट कार्नल पल क्या बैठ तीनों प्लांट ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो डंडा वाला प्लांट आ गया था, ज़ॉम्बीज आ गए तो उसने ये डंडा मारा, हमें पिचका दिया योग करके। तो स्टोरी दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, तो मैं क्या होता, हाँ कि यार मैं देखा था मेरे बराबर वो 2 लड़के बैठे थे ऑफिस से आए हुए, कि यार इतनी हमारे पाकिस्तान में लोग इतने परेशान हैं अपने, कराची में खास तौर पर, कराची पाकिस्तान का एक वाहिद मुल्क है जो रोज़ाना के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये पाकिस्तान को कमा के देता है,
बैलेंस से, टैक्सेस से, पेट्रोल से, अशिया से, कपड़ों से, सारी चीज़ों से मिला के 1-2 करोड़ रुपए रोज़ाना कराची पाकिस्तान को कमा के देता है। लेकिन फिर भी कराची का लड़का इतना बेजार हो गया है नौकरी से, अपने हालात से, अपने महंगाइयों से, कि वो चाह रहे हैं कि हम भी घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाएं, लाखों रुपए कमाएं। जहाँ पे हम 30,000 कमा रहे हैं, वहाँ हम 30 से डबल कमाएं, 60, 65, 75, 70 लाख रुपए तक के कमाएं। चलो मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो अभी जॉब नहीं कर रहा, तो मैं तो ये सोच रहा था भाई मैं पढ़ भी लूँ साथ साथ, तो अपना कोर्स भी कर लूँ, फिर जाके आगे जाके ना अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सकूँ। लेकिन मैं देख रहा था कि वो इतने बड़े बड़े लड़के, एक अंकल जी आ रहे हैं भाई जॉब से आ रहे हैं, वो अंकल जी, और 2 लड़के आ रहे हैं वो जॉब से आ रहे हैं, कि उनकी भी ये ख्वाहिश है कि भाई जॉब पे तो जा ही रहे हैं हम, वो तो खर्चा उनके पास आ ही रहा है, लेकिन वो ये भी चाह रहे कि हम कोर्स भी करें और उससे ज़्यादा कमाएं। देखो बस कितनी परेशानी है, बस अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को और हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को, लोगों को तो समझ आ रही है, लोगों को समझ है इस चीज़ की कि भाई हालात बुरे हैं, बुरा हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना, ये चाह रहे हैं कि बस लोग मरें, मर जाएं, बस ये हुक्मरान ये चाह रहे हैं बस। तो आप लोग भी दुआ करिए भाई, जैसे वो मौलाना साहब कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद के भाई ऐलान के मस्जिद में, लोग दुआएं करें हुकूमत के लिए कि ये हुकूमत जो है ना बस ख़त्म हो जाए, कोई नेक सवाले हुकूमत आए हमारे मुल्क में, नेक लोग आए जो इस हुकूमत को चलाएं, इस पाकिस्तान को चलाएं। अभी भी देख लो अल्लाह पाक ने कितना इस मुल्क में किया हुआ कि वो सब खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जाए, लेकिन इस मुल्क का जो है खजाना ख़त्म नहीं होगा। कैसी बस अल्लाह पाक की वो नेमत है, ये सारे हुक्मरान खा करके। और मैं वो पापा वाली बात के, पापा ये सोच रहे थे कि भाई ये बोल रहे थे उस दिन, अम्मी से बात शेयर कर रहे थे कि अल्लाह पाक इनको सज़ा क्यों नहीं देता, इतने लोगों को इन्होंने कत्ल किया है, इतनी कत्लो गायत हो रही है, इतने बुरे बुरे काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों की बद्दुआ लग रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक इनको सज़ा क्यों दे रहा है, इनके ऊपर अजाब क्यों डाला, पता नहीं अल्लाह पाक ने इनके लिए क्या लिखा है, क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता। बस फालतू बातें नहीं करते, ज़्यादा बातें हो गई। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।